मध्य प्रदेश में महामारी के दौरान करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर चल गए हैं और जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर उनका मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद मीणा ने बताया कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध जूडा के सदस्य सोमवार से हड़ताल पर हैं और इसके तहत जूनियर डॉक्टर ओपीडी आईपीडी तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के अन्य वार्डों में काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यदि आज शाम तक सरकार की ओर से हमारी मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता है तो कल 1 जून से भी हम प्रदेश भर में कोविड-19 ड्यूटी बंद करने के विवश हो जाएंगे और आज लगातार डॉक्टरों का यह हड़ताल जारी है। मांगे जो पहले थी 6 मांगे हमारी, सुरक्षा, जूनियर डॉक्टरों के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, साथ में उनका जो बॉन्ड है वो कैंसिल किया जाए और उनकी फीस माफ़ किए जाए क्योंकि 1 साल से उन्हें कोई पढ़ाई नहीं करवाई गई है। साथ ही जो मानदेय है बाकी राज्यों के कंपेयर में मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स जो हैं उनको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा या आधे के बराबर मानदेय मिलता है। इस समय करीबन पूरे प्रदेश भर में 2,000 जूनियर डॉक्टर्स जो हैं सारे मेडिकल कॉलेजेस में वो हड़ताल पर हैं। जो प्रति माह कोरोना इंसेंटिव दिए जाने की बात कही गई थी आखिरी साल, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी मुकर गए और हमारी मांगों को मानने के बाद भी 1 महीने बाद फिर से वो मुकर गए, तो हमें देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।